गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के इस नए व्लॉग में। आई होप कि आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज फिर शुरू करते हैं एक और नए दिन की और लेते हैं गर्मी का मज़ा। बाइक पे है ना, ठंडी सी हवा लगती है ना, मज़ा आता है। लेकिन जहाँ कहीं खड़े हो जाओ वहीं से पसीना टपकना शुरू हो जाता है। ठंड का मतलब ये आलम है कि चलने पर हवा थोड़ी सी ठंडी लग रही है लेकिन धूप बहुत तेज है। बाकी तो अब ये है कि गर्मी का सीज़न आ ही गया तो भाई गर्मी तो होगी, लेकिन कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्मी होगी क्योंकि जो मौसम जिस हिसाब से चल रहा है, वेदर जिस हिसाब से मतलब हो रहा है, उस हिसाब से ज़्यादा ही होगी। ये क्या कर रहे हैं भाई? अच्छा, स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इनकी बंद हो गई गाड़ी। ये भी सही है। लोगों में ना मतलब गाड़ी चलाते टाइम सुस्ती बढ़ रही है, सुस्त रहते हैं बहुत, मतलब जहमत नहीं उठाते थोड़ा सा भी आगे पीछे देखने की। यार भाई, एक मेरे इस प्यारे दोस्त ने, मित्र ने एक ऐसा कमेंट कर दिया, मतलब एक ही कमेंट किया और वो ही ऐसा कर दिया कि मतलब दिल चीरने वाला, दिल फाड़ दो, फाड़ कर दी। तो भाई देख, पहली बात तो ये है कि पूरा वीडियो पहले देख ले। जिस भाई का मैंने ये क्लिप ले रखी है उसको मैंने प्रॉपर क्रेडिट दे रखा है, और ये जो क्लिप मैंने यूज़ कर रखी है ना, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए यूज़ की है। जो लोग और मेरे तकरीबन सारे व्लॉग्स देखना, उसके ऊपर सबके अंदर मैं मतलब ट्रैफिक रूल्स की बात करता हूँ, लोगों को गाड़ी सही चलाने के लिए बात करता हूँ, ट्रैफिक रूल्स, रोड एक्सीडेंट्स जो हैं उनको लेके, अवेयरनेस को लेके मैं काम करता हूँ, उन्हीं पे मेरे ज़्यादातर जो है व्लॉग्स फोकस्ड रहते हैं। तो पहली बात तो देखो, दो तीन चीज़ें हैं मेरे प्यारे भाई, यार दोस्त, जो भी तुम अपना ठीक है मानो या ना मानो कुछ भी, लेकिन दो तीन बातें जो हैं वो मैं खाली कहना चाहूँगा कि देख, एक तो ये है कि इसी तरह के कमेंट की वजह से, एक मतलब सेंटेंस की वजह से बेचारा राहुल गांधी दुखी है। आप लोगों को नहीं पता है, ये जो मुंह खोल के आप फ्रॉड, धोखा, ये इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हो ना, तो ये अगर कोई ढंग से इनको प्रोसीड कर देता है ना, तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हो किसी, मतलब मेरे लिए अगर मैं एज ए व्लॉगर बात करूं तो मेरे लिए तो ये करियर ख़त्म करने वाली, मतलब मेरी इमेज जो है, मेरा करियर जो है उसके ऊपर
उंगली उठाने वाली बात हो गई तो ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी। सोच के देखो, मैंने किसी का कंटेंट चुराया नहीं, किसी का कंटेंट छिपाया नहीं, मैंने जो क्लिप यूज़ की उसके ऊपर प्रॉपर क्रेडिट दे रखा है, जिसकी क्लिप यूज़ की उसको कोई तकलीफ़ नहीं है। आपको भाई साहब क्या तकलीफ़ है, दिक्कत क्या है, कहाँ प्रॉब्लम फंसी हुई है? मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए कोई ऐसा उल्टा सीधा कोई शब्द यूज़ करूँगा, लेकिन हालांकि मैं चाहता तो इस चीज़ का जवाब भी ना देता, क्योंकि दुनिया भर के लोग दुनिया भर के यूट्यूबर्स को गालियाँ देते रहते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये चीज़ लगी, मुझे ये बुरा नहीं लगा कि आपने ये उल्टा सीधा लिख दिया यहाँ पे जो भी लिखा है। मुझे बुरा सिर्फ एक इस चीज़ का लिखा, मतलब मुझे सिर्फ बात ये समझ आई कि मैं आपको ये बता दूँ कि इस चीज़ के ऊपर अगर मैंने एक्शन ले लिया तो आप क्या करेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और चलो वो एक्शन लेना ना लेना वो तो एक अलग चीज़ है, भाई मेरे ये बता कि अगर कोई किसी का कोई कुछ मेहनत कर रहा है, थोड़ी बहुत कुछ काम कर रहा है, तो उसको प्रेज़ करने के बजाय, उसको मानसिक रूप से सहारा देने के बजाय, उसको सहारा देने के बजाय, मोटिवेट करने के बजाय, आप जैसे लोग मतलब इस तरह के कमेंट करके उनको डीमोटिवेट करने का काम करते हैं। बात कुछ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत की बात है, आप करके देखो पता चल जाएगा। जब इस कैमरे के सामने खड़ा होके बोलना पड़ता है ना, तो अच्छे अच्छे लोगों की है ना पेंट गीली हो जाती है। आपके पास जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए, आपके पास जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप बना के देखिए, करके देखिए। आप एक पाँच तो छोटो 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके देखिए अपने मोबाइल के अंदर, अपना सेल्फी कैमरा ऑन करके, आप कर पाएंगे? क्योंकि आप एक बार ये इस फेज से गुजर लेंगे, ये काम एक बार करके देख लेंगे ना कि कितना टफ है, तो आप इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां नहीं करेंगे किसी के ऊपर, और करनी भी नहीं चाहिए भाई। मुझे दुख नहीं है, लेकिन ये है कि आपको नहीं करना चाहिए, किसी को सहयोग करना चाहिए बजाय उसकी टांग खींचने के। चलो दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम दिस लीव दिस टॉपिक हियर, और मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो, लव यू ऑल फ्रेंड्स। और तो भी भाई बुरा ना मानियो, ठीक है, दो बात बतानी थी वो बता दी, बुरा लगा तो मैंने कह दिया।